और ये तो सच है, ये हो सकता है कि सुई की नोक में से ऊंटों की लंबी कतार निकल गई और हाथी भी एक किसी पश्चिमात्य ग्रंथ में मैंने ऐसा पढ़ा। दराज खोली, कहीं हम यात्रा में थे, उनके दराज में उनका पवित्र ग्रंथ हमारे हाथ लग गया और पहली बार लगा कि अनायास नहीं हुआ है, भगवदीय विधान है, उनके कोई धर्म ग्रंथ हमने पढ़े नहीं और अनायास ये ग्रंथ हाथ लगाए तो पन्ना पलट के देखो क्या लिखा है। हमने पन्ना पलट लिया और उसमें लिखा था कि ये सच है, मान लेना सच, कि सुई की नोक में से लंबी ऊंटों की कतार निकल गई। पर यह सच नहीं हो सकता कि कोई अहंकारी भगवान के द्वार पर पहुंच गया हो, कोई अभिमानी, उसे साधन का अभिमान मान्य नहीं। इसलिए उन्हें लगा कि साधन सिद्ध हो गया होता तो देवकी के पास रहते। देवकी की भी मां दो है ना, एक मां वो जो सत्साधना है, साधन करके जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, एक निस्साधना। देवकी की एक मां वो जिसने उसे पैदा किया साधन से, नियम व्रत से, तपा अनुष्ठान से, बड़ी तपस्या के प्रभाव से। अभी तो पैदा नहीं हुआ, उससे पहले घोषणा हो गई, अरे सावधान गिरिकंदरा उपत्यका में बैठे हुए ऋषियों सुनो सुनो, यम कुबेर इंद्र वरुण लोकपाल सनकादिक बृहस्पति, अरे ब्रह्मा सुनो, अगर सुन रहे हो तो महादेव सुने और पूरी धरती के जीव सुने, देवकी के आठवें गर्भ से भगवान आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इतना पहले से तय है, इतने पुण्य हैं, इतने साधन, आप इतने समर्थ हैं कि सबको पता है कि आप मां बनेंगी कृष्ण की। इसका अर्थ क्या हुआ? भाई साधन का बल तो रहता ही है, उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता, उसे भुलाया नहीं जा सकता, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इतना साधन किया कि वो अपने उदर से उपेंद्र पैदा कर दे, वामन पैदा कर दे, ऋषियों के लिए अभूतपूर्व ज्ञानी योगी योगेश्वर पैदा कर दे। और वही कहती है, सावधान ऋषियों, मेरे तप का मुझे इतना अधिक ज्ञान है, मैं देवकी बनकर कृष्ण की मां बनूंगी। लेकिन कृष्ण वहां रह नहीं पाया, तो लक्ष्मी जी विचार कर रही हैं कि साधन संपन्ना मां के पास रह नहीं पाए कृष्ण, तो किसके पास पहुंच गई? जो निस्साधना है, जिसे साधन का अभिमान नहीं, साधन का ज्ञान नहीं, ऐसी यशोदा साधन से विरत है। इसका अर्थ यह है, कुछ ऐसे पुण्य करो जो किसी को दिखे नहीं और उनका प्रभाव विलक्षण हो, अद्भुत हो। ऐसे ही बादल अंबर से निचुड़ते नहीं, ऐसे ही वर्षा नहीं होती, धरती पर एक वातावरण तैयार होता है। बादलों को पैदा करने के लिए वृक्षों की बड़ी भूमिका है, बादल और फिर बयार और प्रकृति की आर्द्रता, वृक्षों की सूक्ष्म अदृश्य कोई आर्द्रता माने गीलापन पूरी धरती पर एक परिवेश बनाते हैं, तब बादल आते हैं, तब निचोड़ते हैं, परजन्य तब प्रकट होते हैं। वैसे ही यशोदा यशोदा जो दूसरों को यश दे, यश का दान करे और ये कहे कि पुत्र तो हुआ है मुझे, पर इसके मूल में मेरे जप तप पूजा पाठ नियम व्रत दान और कोई अज्ञात पारमार्थिक साधन नहीं है। अरे ब्रजवासियों, ये तो आपकी प्रार्थनाओं का परिणाम है कि मेरे घर लाला भयो है। अगर मेरे ही व्रत फलीभूत होते तो 85 साल तक मैं जो दिया बाती करती रही सब अकारत तो गया।
भागवत में आता है 85 साल की उम्र में बच्चा हुआ है। लीजिए, इसका अर्थ क्या है कि जब साधन करते रहोगे निरंतर अखंड अविच्छिन्न अबाध निराभिमानी मन से लगे रहोगे तब एक लंबे समय के बाद उसका फल मिलता है, और वही फल दशरथ को भी बुढ़ापे में मिला, वही फल अदिति को भी उपेंद्र के रूप में बुढ़ापे में मिला, और वही इन सन्यासियों को भी लंबे समय के बाद साधन यजन भजन अर्चन पूजन प्राणायाम ध्यान धारणा और विविध अनुष्ठानों का फल बहुत लंबे समय के बाद मिलता है।